बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि रहमतों का महीना चल रहा है, तो मेरी आप सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सबको अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक रमज़ान करीम के सदक़े हमें कोरोना वायरस से, इस वबा से निजात दें। आज मैं आपको हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। किस्सा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें, ताकि हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहें। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना नबूवत के छठे बरस का ज़िक्र है कि एक रोज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्ला पहले गालियाँ दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ सुनकर चुप रहे, तो उसने एक पत्थर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारा, जिससे खून बहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई। वह अभी मुसलमान ना हुए थे। राबत के जोश में अबू जहल के पास पहुँचे और उसके सर पर उस ज़ोर से कमान मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे, तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाएँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त मुसलमान हो गए, अल्लाह उनसे राज़ी हो। ग़ज़वा उहद में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बड़े दुश्मनों को खाक और खून में सुलाया। वहशी ग़ुलाम ने एक पत्थर के पीछे छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़ख्मी हुए, ज़ख्म नाफ के करीब लगा, जिससे आप शहीद हो गए। दुश्मनों ने आपका जिगर निकाला, कान काटे, चेहरा बिगाड़ा, पेट चाक कर डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखा तो सख्त गमगीन हुए, और सैयद शुहदा और असदुल्लाह रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का शेर का खिताब अता फरमाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीब में मुसलमान होना लिखा था, उनकी शहादत लिखी हुई थी। वो मुसलमान हुए और शहीद हो गए। कुफार ने जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। हमें भी मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सबको अपनी दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक भी दें, ताकि हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।